हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट को लेकर एग्जाम पोर की तरफ से, विवेक सर की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है धरना प्रदर्शन किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो आरआरबी एग्जाम डेट हो जल्द से जल्द कराया जाए, और फ्रेंड जैसे कि आज आपको पता हुआ, एक नोटिस जारी हुआ टेंडर को लेकर, लेकिन फ्रेंड्स उसमें साफ साफ लिखा गया है कि हम 2 साल में आपके जो जो भी मतलब प्रोसेस है वो कंप्लीट करा देंगे, लेकिन फ्रेंड्स अभी ये भी हो सकता है कि टाला जाए। तो देखो, नाम सुनते ही कि प्रोटेस्ट हो रहा है, तो एक नोटिस जारी हो गई ताकि ज़्यादा इस पर मतलब जो है बात ना बढ़े, लेकिन फ्रेंड्स आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा रहोगे तो ये सबके लिए हेल्प होगा। को ये लगता है कि किसी से एग्जाम डेट के बारे में पूछना ये विरोध है, तो ये आपकी बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि ये कोई विरोध नहीं है। आप अपने हक की बात पूछ रहे हैं कि सर हमने 1 साल पहले फॉर्म भरा था, हमारा पेपर कब होगा। सर आप कहाँ से आए हैं? उत्तम नगर दिल्ली से। वैसे कहाँ से आप? दिल्ली से? बिहार से रहते हैं आप? तो आपने फॉर्म भरा था, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? छह सात महीने से तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में रह करके। घर से दूर आप तैयारी कर रहे हैं? आप कहाँ से सर? धन्यवाद करता हूँ, यहाँ पे आए हुए अपने अधिकार के लिए आए हैं। मतलब नोटिफिकेशन आई हुई, लेकिन उसका सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, इसके विरोध में हम यहाँ पे बैठे और बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, क्योंकि पता नहीं चल रहा, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही, सरकार से फालतू के मुद्दों का लोगों का ध्यान भटका रही है। इसीलिए हम सब यहाँ पे आए ताकि वो हमारे पे ध्यान दे सके, और मैं चाहूंगा कि जो बच्चे हमें देख रहे हैं वो भी यहाँ पे आए, हमारा समर्थन करे। कम से कम आप लोग शेयर करिए, आप कहाँ से सर? सुल्तानपुर में। दिल्ली में कब से तैयारी कर रहे हैं सर? 2018 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए। और एनटीपीसी की तैयारी आपने इससे पहले भी ग्रुप डी वाला पेपर दिया होगा, यानी कि तो अब मतलब 2 साल 2.5 साल आपको हो चुके हैं, तो घर वालों का भी प्रेशर होगा कि एग्जाम हो जाए और सारी चीजें हो जाए। तो कम से कम मेरे जितने साथी विद्यार्थी मेरे दोस्त सब देख रहे हैं, ये शेयर करें और ये बात कम से कम मीडिया तक तो पहुंचाएं कि मीडिया आकर के इन विद्यार्थियों की बात सुन सके। सर आप कहाँ से? इटावा से। दिल्ली रहते हैं? इटावा से आए आप? इटावा से आए आप? तैयारी आप कब से कर रहे हैं? जॉब करने लगे थे? क्या बात है, मतलब ये देखिए, कोई एक बंदा 2012 से जॉब कर रहा है, उसके बाद जॉब छोड़ना, 6 साल बाद तैयारी शुरू करना, एक तो सबसे आसान काम ये नहीं है, फिर भी उन्होंने तैयारी शुरू करी, और अगर अभी पेपर नहीं होता है तो ये बहुत लेट हो रहा है। आप कहाँ से? सर मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आया आप? और मैं करीब 2 साल से तैयारी में लगा हुआ हूँ। पहले मैंने लोको पायलट का एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें फर्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं नहीं हो पाया था, टेक्निकल में रह गए थे। तो ये होता ही, आप जो भी हमारे दोस्त होते हैं नॉन टेक्निकल की तैयारी करते हैं, तो वो नॉन टेक ज्यादा अच्छे से कवर कर पाते हैं, तो इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी हो गई या एनटीपीसी की हो गई, क्योंकि ये भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, तो इसमें हमारा नॉर्मली सब्जेक्ट आते हैं, जीके रीजनिंग और मैथ्स, तो कर पाते हैं हम। टेक्निकल में दिक्कत आती ही आती है।